हम लोग कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष समाधान के क्षेत्र में जिन तीन शब्दों का इस्तेमाल अक्सर होता है उनका अर्थ समझें। पहला है पीस मेकिंग, दूसरा है पीस कीपिंग और तीसरा है पीस बिल्डिंग। तो कई बार विद्यार्थियों के मन में ये दुविधा आती है कि क्या इन तीनों का अर्थ एक जैसा है या इन तीनों के अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं या क्या इस बात की भी संभावना है कि इनके अर्थ आपस में ओवरलैप करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि देखें कि पीस मेकिंग क्या है, पीस कीपिंग क्या है और पीस बिल्डिंग क्या है। 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बुत्रस घाली ने दुनिया के सामने एक एजेंडा पेश किया जिसको हम लोग एजेंडा फॉर पीस के रूप में जानते हैं। उसमें दुनिया के संघर्षित क्षेत्रों में शांति कायम करने का एक मुकम्मल प्रस्ताव था जिसके तहत पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग जैसी अवधारणाओं का इस्तेमाल किया गया था। तो यदि हम संघर्षित क्षेत्रों में जो स्थिति है वहां इन तीनों ही टर्म्स को लोकेट करें तो मेरे ख्याल से विद्यार्थियों को ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। जहां संघर्ष चल रहा हो, जहां संघर्ष रुक गया हो और जहां संघर्ष बंद हो गया हो, यानी जो संघर्ष को रोकने की जो कोशिश है उसको हम पीस मेकिंग के रूप में समझ सकते हैं। जहां युद्धरत पक्षों के बीच ये कोशिश की जाती है कि शांति के संदर्भ में कोई मुकम्मल समझौता हो जाए, यदि मुकम्मल समझौता ना भी होता है तो कोई एक ऐसा आंशिक समझौता हो जाए जो जिससे आगे चल के किसी स्थायी शांति समझौते की गुंजाइश बने। और ये जो तीसरी पार्टी द्वारा जो पीस मेकिंग की कोशिश की जाती है उसका पहला लक्ष्य होता है कि संघर्ष थमे यानी युद्ध विराम हो जाए। तो इसमें जो एफर्ट किए जाते हैं जिसमें कि मेडिएशन, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र है उनका जब इस्तेमाल होता है तो हम कह सकते हैं कि ये पीस मेकिंग की प्रक्रिया है। अब आती है पीस कीपिंग। पीस कीपिंग यानी शांति रक्षण। आप सब लोग परिचित हैं इस कॉन्सेप्ट से, आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के साथ ही बहुत बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में योगदान देता रहा है, चाहे वो शुरुआती दौर का कोरिया और कांगो का शांति मिशन हो या आजकल का सूडान का या लाइबेरिया अफगानिस्तान में। लाइबेरिया में तो भारत ने अपनी महिला शांति रक्षकों की टुकड़ी भेजी थी जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन की माता जी शामिल थी। तो ये जो पीस कीपिंग का काम है उसको हम ये बोल सकते हैं कि जो संघर्षरत क्षेत्र जहां थम गए हैं, जहां युद्ध विराम की स्थिति है, उस युद्ध विराम की स्थिति को कैसे स्थायी रखा जाए, कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि उन दोनों में फिर से हिंसात्मक संघर्ष शुरू हो जाए और युद्ध विराम का उल्लंघन हो जाए। तो ये जो निगरानी का काम है कि जो समझौता हुआ है उसका कोई अतिक्रमण ना करने पाए। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय 6 और 7 में पीस कीपिंग की जो भूमिका है वो व्याख्यायित है। इसमें संबंधित राज्यों के समर्थन से, उनकी सहमति से पीस कीपिंग फोर्सेस हल्के हथियारों के साथ तैनात की जाती हैं और ये परिभाषित होता है कि किन परिस्थितियों में और किस हद तक वो शस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे हालात होते हैं जहां उन्हें शस्त्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उनका जो सारा ध्यान होता है कि वो शांति रक्षण की भूमिका का निर्वहन करें, यानी ये जो संघर्ष चलने के दौरान की जो प्रक्रिया है वो पीस कीपिंग है। अब तीसरा आता है पीस बिल्डिंग का काम, यानी जहां संघर्ष खत्म हो गया है वहां लोगों का और संघर्षित पक्षों का जीवन कैसे सामान्य ढर्रे पे आए, रोजमर्रा का जीवन सुचारू रूप से चले, उसके लिए किन किन बातों की आवश्यकता है, क्या कोई आधारभूत ढांचा तैयार करना है जिसमें यातायात के साधनों की व्यवस्था, सरकार के लिए कोई बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, इन
बुनियादी सुविधाओं के अलावा शासन करने का तरीका भी सिखाना इसमें शामिल होता है। उसमें ये कि रूल ऑफ लॉ के ढंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई बहुत ही पिछड़ा देश है, कोई ऐसा अफ्रीकी देश है जहाँ के लोग आधुनिक अवधारणाओं से परिचित ना हो, तो गवर्नेंस कैसी हो, इसके अलावा मानवाधिकारों की ट्रेनिंग देना और संघर्ष के दौरान जो मानवाधिकार उल्लंघन के मामले हैं उनको समझना, उनकी पड़ताल करना और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना भी पीस बिल्डिंग की प्रक्रिया में शामिल है। इसके अलावा बीते दिनों में ये देखा गया कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हुई है, यानी लिंग आधारित जहां हिंसा हुई है, जहां महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है दोनों ही पक्षों द्वारा, वहां इसके आंकड़ों को समझना, महिलाओं से बात करना, उनकी काउंसलिंग और हीलिंग का प्रयास करना और पूरी दुनिया के सामने ये बताना कि कैसे दूसरे किसी संघर्ष क्षेत्र में महिलाओं को इस तरीके की हिंसा से बचाया जा सके, ये भी पीस बिल्डिंग का एक अहम काम है। क्योंकि ये बहुत सारे संघर्ष क्षेत्रों में पाया गया कि महिलाएं जाति और धार्मिक हिंसा के सीधे शिकार बनी और सबसे ज्यादा अत्याचार उनके साथ जो यौन हिंसा है, रेप वॉज यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो बदला लेने के लिए, अपनी पूरी नफरत निकालने के लिए औरतों को जरिया बनाया गया। बोस्निया, बुरुंडी, रवांडा में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, कितनों के नाम लिए जाए, ये मामले सामने आए हैं। और पीस बिल्डिंग का एक काम ये भी है कि युद्ध के दौरान, संघर्ष के दौरान, आंतरिक अशांति के दौरान वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके वो जो मानसिक यंत्रणा के किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए भी काउंसलिंग करना, उनके लिए पूरी संवेदना दिखाना, उनकी बातों को सुनना, कुल मिला के एक समाज की पुनर्संरचना का जो काम है वो पीस बिल्डिंग के जिम्मे आता है। यानी हम कह सकते हैं कि पीस बिल्डिंग का अर्थ बहुत बड़ा है और समय के साथ इसका विस्तार भी हुआ है। तो जो शुरुआत में हम लोगों ने बात की कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या ये ओवरलैप भी करते हैं, तो पिछले दिनों ये देखने में आया कि जो पीस कीपिंग का काम है और पीस बिल्डिंग का काम है वो कई बार ओवरलैप कर रहा था। कई बार पीस जो कीपर्स थे उनको चुनाव भी करवाने का काम, शासन में भी उनकी भूमिका शामिल हो गई, तो कुछ ओवरलैप हमें दिखता है जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ खुद बहुत चिंतित था और कई तरीके के विचार सामने आए कि बैक टू बेसिक, यानी पीस कीपर्स को बस शांति रक्षक तक महदूद होना चाहिए, उनकी भूमिका का अनावश्यक विस्तार उनके ऊपर बर्डन डालना है। लेकिन आज हमारे लिए ये बात का मुद्दा नहीं है। आज हमारी कोशिश थी कि हम उन टर्म्स को समझ लें कि पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग का अर्थ क्या होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो तीनों ही टर्म्स हैं वो किसका हिस्सा है, पीस प्रोसेस का, यानी जो एक शांति प्रक्रिया है उसमें वे समाहित होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये तीनों ही शब्द समझ में आए होंगे। शुक्रिया।